देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अपनी इस खास रिपोर्ट में आइए नजर डालते हैं उन बड़े राजनीतिक चेहरों पर जिनकी किस्मत इन लोकसभा चुनावों में दांव पर लगी है। सबसे पहले बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी नागपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। गडकरी ने इसी सीट से साल 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। और अब बात करते हैं नकुलनाथ की। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। नकुलनाथ ने साल 2019 में इसी सीट से जीत हासिल की थी। नकुलनाथ साल 2019 में एमपी से कांग्रेस के इकलौते सांसद चुने गए थे। नकुलनाथ का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के विवेक साहू से है। के अन्नामलाई कोयम्बतूर तमिलनाडु से चुनावी मैदान में हैं। के अन्नामलाई पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। के अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके नेता गणपति पी राजकुमार और अन्नाद्रमुक यानी एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन से है। बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की करते हैं। किरण रिजिजू को बीजेपी ने अरुणाचल पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता किरण रिजिजू 3 बार से सांसद हैं। केंद्र में केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। किरण रिजिजू का मुकाबला तबाम तुकी से है जो अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और अब बात करते हैं डीएमके सांसद ए राजा की। डीएमके सांसद ए राजा को एक बार फिर डीएमके ने नीलगिरी से चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2019 में ए राजा ने 54.20% कुल वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 में ए राजा को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ए राजा का मुकाबला